अब इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल में दो अप्रोचेस हैं, एक इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है, एक बैलेंस शीट अप्रोच है। अच्छा, बैलेंस शीट अप्रोच में क्या है कि आप जो एस्टिमेटेड बैड डेट की परसेंटेज है वो आप अकाउंट रिसीवेबल के ईयर एंड बैलेंस पर अप्लाई करते हैं। लेकिन फिर आप क्या करते हैं कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स के बैलेंस को कंसीडर करते हैं। अगर उस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो ऐड करके एंट्री की जा रही है, क्रेडिट बैलेंस है तो लेस करके की जा रही है। अब यहाँ पे भी एक सवाल है कि अलाउंस फॉर बैड डेट अकाउंट की नेचर क्या है। दूसरा सवाल इस हवाले से कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स का जो डेबिट बैलेंस है भाई वो शो क्या कर रहा है, उसकी मीनिंग क्या है। अगर अलाउंस फॉर बैड डेट के अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ गया है तो वो डेबिट बैलेंस क्या शो कर रहा है, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्या शो कर रहा है। डेबिट बैलेंस है वो शो क्या कर रहा है और वो ऐड क्यों करते हैं। अगर क्रेडिट बैलेंस है अलाउंस के अकाउंट में वो क्या शो कर रहा है और उसको हम लेस करके एंट्री को करते हैं। आगे चलिए सवाल इसी टॉपिक से, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में परसेंटेज बैड डेट की या तो ग्रॉस सेल्स पे लगती है या नेट सेल्स पे लगती है, चले वो माइनस का फर्क है। क्यों परसेंटेज सेल्स पे लग रही है, अब जरा गौर से सुनिएगा। आपने क्रेडिट सेल्स की 1 मिलियन, बहुत अहम सवाल पूछ रहा हूँ, और इंशाल्लाह अगर स्टूडेंट्स इस पे रिसर्च करेंगे तो बेहिसाब नॉलेज बढ़ेगी, बेहिसाब। हाँ, वो गेम चल रहा है यहाँ पर, कौन बनेगा मेरा पति, वो करोड़पति, तो चले जो अच्छा जवाब देगा मैं खुश होके उसे इनाम भी दूंगा। इनाम क्या दूंगा, उसके घर पे आके उसके साथ शाम की चाय पी लूँगा, तो इससे बढ़ के क्या नाम होगा, आपका बड़ा भाई या टीचर आपके घर पे आएगा। अच्छा खैर, सीरियस मूड में बात करता हूँ, सुने सवाल सुने कि आपने क्रेडिट सेल्स की 1 मिलियन, कैश कलेक्ट हो गया 0.9 मिलियन, लिहाजा रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस कितना होगा, 1 लाख। अब आपको ये मालूम करना है कि 1 लाख जो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है इसमें से हम कितना कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में ये मालूम करने के लिए कि अकाउंट रिसीवेबल का जो 1 लाख डेबिट बैलेंस है उसमें से कितना कलेक्ट नहीं हो पाएगा, बैड डेट की परसेंटेज सेल्स जो 1 मिलियन है 10 लाख उस पर क्यों लग रही है भाई, कोई तो लॉजिक है ना इसमें। तो ये आपके लिए कुछ चैलेंज क्वेश्चंस हैं। वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल में वैल्यूएशन का मतलब क्या है, एक्सपेंस इनकर होता है तो हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन बैड डेट के केस में अभी एक्सपेंस अकर नहीं हुआ, एक्सपेंस इनकर नहीं हुआ, लेकिन हम उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं एस्टिमेट करके, क्यों। अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर क्या है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का जो डेबिट बैलेंस है वो क्या शो करता है, उसको ऐड करके एंट्री क्यों की जाती है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का क्रेडिट बैलेंस क्या शो कर रहा है, उसको लेस करके एंट्री क्यों की जाती है। फिर इनकम स्टेटमेंट अप्रोच और बैलेंस शीट अप्रोच, दो अप्रोचेस क्यों बनाई गई। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में जो बैड डेट की परसेंटेज है वो सेल्स पे लगाई जाती है, जैसे मैंने कहा कि 1 मिलियन की 10 लाख की क्रेडिट सेल्स हुई, 9 लाख रुपए वसूल हो गए, अकाउंट रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस 1 लाख है, 1 लाख में से हम कितना कलेक्ट नहीं कर पाएंगे ये मालूम करने के लिए परसेंटेज बैड डेट की 10 लाख पे क्यों लग रही है। आपके जवाब का इंतज़ार है मुझे। इन वीडियोज़ को जो है वो आप लाइक भी करें, इन वीडियोज़ को आप शेयर भी करें, जो हमसे क्लासेज में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स वो तो जाहिर सी बातें सीख ही रहे हैं। इन वीडियोज़ का मकसद यही है कि हम जो है वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, हम तो नहीं पढ़ा सकते ना सबको, या हमारी जो पूरी टीम है वो तो नहीं पढ़ा सकती, या सईद अहमद सिद्दीकी साहब पूरी कराची को तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा सकते, सर खुर्शीद आलम पूरी कराची को तो स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा सकते, खुद पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जहाँ आप जाते हैं, जिस टीचर के पास आप जाते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में वहीं जाइए, उन्हीं से पढ़िए, लेकिन खुदा रब पढ़िए, पढ़ने के मीनिंग को समझिए, कॉन्सेप्ट से पढ़िए। लिहाजा इसको आप लाइक भी करें और इसको शेयर करें, सब लोग शेयर करें, ताकि जो मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचें और स्टूडेंट फिर से इस्तेफादा करें, रिसर्च करें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, आपके आंसर्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, और इंशाल्लाह अगर आपने सही जवाब दिया तो मैंने आपको इनाम देना है, आपके साथ आपके घर पे आके शाम की चाय पीऊँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।